फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बहुत प्यारे से जूते बताने वाले हैं। ये देखने में जितने प्यारे हैं, बनाने में भी आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और मैं अब देखिए इसमें फर्स्ट रो जो बनाएंगे हम, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 चैन बुनेंगे इस तरह से। देखिए एक सर्कल बनाएंगे, फिर 1, 2, 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए एक बल लेंगे और इस तरह से एक, देखिए हमने इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स डबल क्रोशिये से बुनना है। 2, 3, 4, 5 तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस वाले सर्कल को पूरा करूंगी। मैं इसमें 13 टाइम बुनूंगी, यानी 13 बार बुनना है हमने। जो मैंने रिंग बनाया है मैंने इसमें 13 टाइम बुना है डबल क्रोशिये से। और अब देखिए इसे हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए 1, 2, 3 अब फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने कई सर्कल बनाने, तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड सर्कल के ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए आपने हर चैन में आपने डबल क्रोशिये से दो दो बार बुनना है। देखिए एक में हो गया, अब देखिए इस वाले चैन में भी हमने दो बार बुनना है। फिर देखिए इसमें भी डबल क्रोशिये से दो दो बार बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस सेकंड वाले सर्कल को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। देखिए मैंने सेकंड वाला सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है और देखिए अब हम इसे इस तरह से यहाँ जॉइंट करेंगे। देखिए सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड बुनेंगे, 1, 2, 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए अब क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक चैन में हमने दो बार बुनना है, फिर एक चैन में हमने एक बार बुनना है, फिर देखिए दूसरी वाली चैन में हमने दो बार बुनना है। ये हमारा थर्ड सर्कल है। तो देखिए एक चैन में एक बार बुनेंगे और दूसरे चैन में दो बार बुनेंगे, फिर ये देखिए एक चैन में एक बार बुनेंगे डबल क्रोशिये से, फिर इस दूसरी चैन में हमने दो बार बुनना है। इस तरह से हम फ्रेंड्स अपना ये थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए और अब हम फोर राउंड पे चलेंगे, यहाँ तक देखिए। फिर अब हमने इसे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है हमने। फिर देखिए 1, 2, 3 अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 3 में आपने ये देखिए एक चैन में आपने दो बार बुनना है, ये देखिए एक चैन में दो बार। फिर देखिए तो सेकंड चैन में हमने 1 और 2 दो चैन में हमने फिर से सिंगल बार बुनना है। देखिए दो बार, फिर एक बार, फिर देखिए अब हमने डबल क्रोशिये से एक चैन में दो बार बुना, फिर देखिए एक हमने डबल क्रोशिये से एक और फिर डबल क्रोशिये से दो। यानी कि फ्रेंड्स देखिए इस वाले सर्कल में हमने एक चैन में दो बार, फिर देखिए एक डबल क्रोशिये से, एक डबल क्रोशिये से, फिर दो बार, फिर एक डबल क्रोशिये से, एक डबल क्रोशिये से। अब हम इस चैन में दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस फोर रो को, यानी इस फोर वाले सर्कल को कंप्लीट करके बताती हूँ कि फिफ्थ में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने फोर राउंड भी तक कंप्लीट कर लिया। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। देखिए 1, 2, 3 से अब हम इसे यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से अब देखिए 1, 2, 3 3 चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है। देखिए अब आपने फ्रेंड्स हर चैन में आपने डबल क्रोशिये से बुनना है।
देखिए हर चैन में हमने डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए इस तरह से हर चैन में आप डबल क्रोशे से बुन के इस वाले सर्कल को भी कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से देखिए एक दो तीन चार पांच, यानी पांच राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब देखिए पांच राउंड के बाद एक दो यहाँ थर्ड पे आपने इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर से आपने ये दो तीन, और देखिए फ्रेंड्स अब भी हमने फ्रेंड्स हर क्या कहते हैं हर चैन में हमने डबल क्रोशे से बुनना है। ये हमारा छठा राउंड है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छठे राउंड भी हमने फाइव राउंड की तरह ही बुनना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए मेरे आगे का जूते का पंजा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमने पांच चैन बनाई थी शुरू में और उसके अंदर हमने 13 यानी 13 बार हमने डबल क्रोशे से बुना। फिर हमने सेकंड राउंड में फ्रेंड्स देखिए हमने हर चैन में दो दो बार बुना, तो सेकंड भी तैयार हो गया। फिर थर्ड में देखिए एक चैन में दो बार और फिर एक सिंगल क्रोशे से फिर दो बार फिर एक, तो इस तरह से हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड में फ्रेंड्स हमने देखिए एक चैन में दो बार और फिर दो चैनों में एक एक बार बुना, फिर दो बार फिर एक एक बार, तो इस तरह से हमारा फोर राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमने फाइव जो बुना था, फाइव सिक्स और सेवन, ये हमने हर चैन पे सिंगल सिंगल बार बुना है और इस तरह से हमारा पंजा तैयार हो गया। एक दो तीन हमने तीन लाइनें एक सी बुनी है, पांच छह सात, सात लाइनें हमारी एक सी बुन गई हैं और ये हमारा देखिए आगे का पंजा तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम इस पर डिजाइन डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने इसे तो नीचे रखना है, तो पहले आपने क्या कहते हैं डबल क्रोशे से 10 टाइम आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। सिंगल से देखिए पहले आपने तीन चैन बुननी है, ये देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे। इसके बाद देखिए डबल क्रोशे से कितनी बार बुनेंगे, अब देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। देखिए फ्रेंड्स डबल क्रोशे से मैंने 12 बार बुना है, यानी 12 टाइम मैंने इसे बुन लिया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा ऊपर का डिजाइन बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे एक चैन बुनेंगे और देखिए एक चैन स्किप करके सेकंड वाली चैन में हमने इस तरह से यहाँ जाली बनानी है। देखिए फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए एक स्किप करके सेकंड वाली चैन में हमने इस तरह से जाली बनानी है। फिर एक चैन स्किप करेंगे, एक नीचे से स्किप करके इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो जालियां हैं हमने ये जालियां 13 बार बुननी है। तो मैं 13 बार बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह एक चैन लेके 13, यानी ये देखिए हमारे हमने डबल क्रोशे से चैन लगा के 13 हो गए। फिर इसके बाद देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक नीचे से छोड़ी है चैन और एक ऊपर चैन बनाई है और बीच में देखिए जाली बनाई है। तो ये जालियाँ मैंने कितनी बुनी है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक 13। देखिए 13 जालियाँ बन गई हैं और 13 जाली के बाद जो ये बच गए ना फ्रेंड्स, इसमें हमने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर यहाँ ज्वाइंट करके यहाँ तक हमने डबल क्रोशे से बुनना है। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमें और किस तरह का डिजाइन डालना है। देखिए 13 जाली बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमने ये भी डबल क्रोशे से, देखिए ये भी हमारा हमने इस तरह से देखिए बुन के यहाँ तक आ गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अब हमने इसे यहाँ से ज्वाइंट भी कर दिया है डबल क्रोशे से। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जाली तक हमने डबल ही क्रोशे से बुनना है। तो हम देखिए फिर इसके ऊपर एक दो तीन और देखिए फिर हर चैन में हमने
इसी तरह से हर चैन में डबल क्रोशे से ही बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ तक बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। 12 टाइम बुन लिया है देखिए डबल क्रोशे से। ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमारा आगे का हिस्सा है। और अब देखिए यहाँ तक जाली तक पहुँच गए। जाली तक पहुँचने के बाद आपने देखिए फिर से एक चैन बुननी है, एक बल लेना है और इस पर यहाँ पर आपने एक इसके ऊपर डबल क्रोशे से बुनना है और एक जाली बनानी है। अब आपने देखिए क्या करना है, एक चैन लेनी है और देखिए जो बीच में जो जाली है, इस जाली के ऊपर तो आपने जाली बुन दी। अब ये जो सेकंड जाली है इसके अंदर आपने देखिए इस तरह से अंदर बुनना है, फिर इसके बाद इसके ऊपर बुनना है आपने इस तरह। फिर देखिए फिर इस वाली जाली के अंदर आपने इस तरह से बुनना है, फिर देखिए इसके ऊपर आपने इस तरह से बुनना है, फिर देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से डबल क्रोशे से बुनना है, फिर इसके ऊपर आपने इस तरह से बुनना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए आपने एक जाली छोड़ दी, एक दो तीन, तीन जाली में देखिए आपने कितनी बार बुना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, देखिए आपने सात बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए एक जाली बुननी है यानी एक चैन बुनिए, एक बल लीजिए और देखिए यहाँ इसके ऊपर आपने इस तरह से यहाँ जाली बनानी थी, ये देखिए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब इसके अंदर बुनेंगे इस तरह, एक बार जाली के अंदर, एक बार अब इसके ऊपर बुनेंगे डबल क्रोशे से। तो देखिए ये तीन हो गए, फिर एक बार इसके अंदर बुनेंगे ये चार, और ये देखिए अब इसके ऊपर पांच, इसके अंदर छह, और देखिए इसके ऊपर यहाँ सात, देखिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए एक जाली डालिए, एक चैन बुनिए और फिर एक चैन के बाद यहाँ बुनिए इस तरह। फिर आपने सात बार ही बुनना, एक बार जाली के अंदर, तो ये देखिए दो हो गए, एक बार इसके ऊपर तीन, एक बार जाली के अंदर चार, एक बार इसके ऊपर पांच, जाली के अंदर छह, एक बार इसके ऊपर सात, फिर सात के बाद एक चैन, और देखिए चैन के बाद एक जाली, और यहाँ इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, देखिए एक जाली इसके ऊपर खाली थी, फिर इसके बाद देखिए हमने सात बार डबल क्रोशे से इन तीन जाली में बनाया है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर एक जाली बनाई, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए फिर एक जाली बनाई, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इस तरह से हमने इसकी सेकेंड रो डिज़ाइन की कम्प्लीट कर ली, ये फर्स्ट डिज़ाइन की, ये सेकेंड। और हमने देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स हमने डबल क्रोशे से बुनना है। तो ये पीछे का हिस्सा ये सिंपल है, यहाँ तक मैं बुनकर बताती हूँ कि हमें और ऊपर का डिज़ाइन कैसे बनाना है। बैक साइड तो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से बुना जाएगा, मैंने बुन लिया है। अब देखिए डिज़ाइन की हमारी थर्ड रो बनेगी, देखिए फर्स्ट कम्प्लीट हो गई, सेकेंड कम्प्लीट हो गई, थर्ड रो देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है, देखिए फिर आपने जाली के पास तो जाली बनानी है, यहाँ जैसे यहाँ बनाई थी यहाँ बने, तो यहाँ भी इसी तरह बनाएंगे, एक चैन बुनेंगे, इसके बाद देखिए इसके ऊपर हम बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए इसके बराबर में यानी डबल क्रोशे से एक बार, दो बार, और ये तीन, देखिए तीन हो गए हमारे। फिर देखिए एक चैन, इसके बाद देखिए एक छोड़ेंगे यहाँ, सेकंड में हमने फिर से बनाना है, एक दो तीन, तीन के बाद एक चैन, फिर देखिए यहाँ एक दो तीन, फिर एक चैन, एक नीचे से भी स्किप करेंगे और यहाँ फिर से तीन बार बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक चैन स्किप करेंगे यहाँ, देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने, देखिए ये तीन,
फिर एक चैन, फिर तीन, फिर चैन, फिर तीन, इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने डिजाइन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो देखिए कंप्लीट कर लिए। देखिए जाली के ऊपर जाली, फिर देखिए तीन बार डबल क्रोशे से, फिर एक जाली, फिर तीन, फिर जाली, फिर तीन, फिर जाली, फिर तीन, फिर जाली, फिर तीन, फिर जाली, फिर तीन, इस तरह से देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स ये सिंगल डबल क्रोशे से मैंने पीछे का हिस्सा इस तरह से बुनना था बुन लिया है। अब मैं आपको डिजाइन की फोर रो बताऊंगी। यहाँ पे देखिए थर्ड रो कंप्लीट है, फोर रो जो बुनेंगे, देखिए फोर रो हमने सेकंड रो की तरह बुननी है। देखिए आपने देखिए एक जाली बनाई यहाँ पर इसके लिए, फिर आपने देखिए क्या करना है, देखिए जो हमारी सेकंड रो थी इसी तरह बुननी है आपने। फोर रो सेकंड रो की तरह बुनेंगे, देखिए जैसे ये एक, देखिए जाली ऊपर जाली आ गई, एक, दो, तीन, तीन के बाद देखिए ये चार, पांच, छः, ये सात। देखिए जैसे हमारे नीचे देखिए सात थे, इसी तरह हमने ये वाले सात यहाँ इसी तरह बनाने, और इस जाली के ऊपर जाली आएगी। देखिए इस तरह एक जाली, और फिर देखिए इसके ऊपर इस तरह बुनेंगे, फिर देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, फिर एक जाली, और इसके ऊपर भी सात ही बार बुनेंगे यहाँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, फिर एक चैन, और इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने देखिए इस तरह से ये बॉक्स सा बनेगा। ये देखिए देखिए इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर रो देखिए कंप्लीट हो गई है, और इस तरह से। और देखिए पीछे का हिस्सा हमें इसी तरह से करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तरह से देखिए मेरी फोर रो भी देखिए कंप्लीट हो गई डिजाइन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फ्रेंड इन्हीं फोर रो को हमने ऊपर रिपीट करना है, यानी कि आपने देखिए इसके ऊपर जो फिफ्थ रो बनाएंगी वो देखिए हमने इसी तरह तेरह जालियां डालनी है। सिक्स रो जो बनाएंगे इसी तरह हमने सेवन बुनना है, फिर बीच में एक जाली देनी है, फिर सेवन टाइम बुनना है, फिर जाली देनी है। सेवन के बाद जब एट रो बुनेंगे तो देखिए फ्रेंड्स तीन बार बुनना है, फिर एक जाली देनी है, फिर तीन बार बुनना है, फिर एक जाली देनी है। इस तरह से हमारी सेवन रो भी कंप्लीट, और एट रो में हमने फ्रेंड्स फिर से ये सेवन टाइम बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इन चार लाइनों को मैं ऊपर रिपीट करके बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए जैसे मैंने ये देखिए एक, दो, तीन, चार लाइनें बुनी थी, इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने देखिए चार लाइनों ऊपर भी रिपीट कर ली। देखिए एक, दो, तीन, और ये देखिए इस तरह से ये चौथी लाइन भी आ गई। तो इस तरह से देखिए हमारे ये बॉक्स इसमें दो बन गए हैं। देखिए इस तरह के बॉक्स बनाने थे हमें, देखिए एक और दो बन गए हैं। और देखिए बैक साइड में तो सिंपल था, ये कम यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ से, अब जो फ्रेंड्स देखिए हमारे तीन बॉक्स बने हैं, तो हमने फ्रेंड्स क्या करना है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा पैर डालने का बनेगा बीच में खुला हुआ हिस्सा, और ये साइड में हमारे ये बॉक्स बनेंगे। देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, देखिए आप यहाँ से गिनेंगी तो एक, दो, तीन, चार, यानी पांचवी वाली यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये देखिए बीच का बॉक्स ले लेंगी तो इसके यहाँ यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। एक, दो, तीन, देख लीजिए कितनी है,
एक दो तीन चार, चार जालियां हैं और यहाँ आके करना है। तब आपने देखिए बीच में से ये बीच वाला बॉक्स है आपका, ये देखिए, तो आपने देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर देखिए आपने ये तीन चैन बुन लिए, फिर आपने देखिए तीन तीन बुनने के बाद एक चैन बुनेंगे बीच का, फिर आपने यहाँ बुनना है। इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या बना, इसके बाद हमने देखिए बीच में बुनना है यहाँ। अब आपने इसके बाद देखिए एक जाली के बाद ये जो सेकंड वाली रो थी वही रिपीट करनी है आपने, दो तीन चार पांच छह और ये सात, सात के बाद देखिए एक चैन एक बल लेंगे और यहाँ इस तरह से देखिए इस तरह से बुनेंगे हम यहाँ देखिए, और ये हमारी एक चाली आ गई है। इस तरह से बुनेंगे और फ्रेंड्स ये देखिए पीछे का हिस्सा मैं इस तरह से बुन के यहाँ बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सिंपल सा ये मैंने बुन लिया है और अब देखिए इधर आ गए हम। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने एक चैन बुननी है और ये देखिए यहाँ बुनना है इसके ऊपर। देखिए ये जाली तो नीचे से इसी तरह चल रही, तो इसी तरह चलेगी। अब क्या करेंगे आपने, फिर देखिए इसके जाली के अंदर बुनेंगे एक बार इसके ऊपर, फिर देखिए तीन हो गए चार पांच छः सात, देखिए सात हो गए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा एक दो दो बॉक्स, अब ये तीसरा बॉक्स बन रहा है। इस तरह से हमने फ्रेंड्स देखिए नीचे साइडों की पट्टी बनानी है हमने इसी तरह बॉक्स की, तो इस तरह से ये बॉक्स बनेगा और ये बीच में ये हमारा गैप रहेगा, यहाँ से हम पैर डालेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ के बाद अब आपने क्या करना है देखिए, एक दो तीन चार चैन बुनेंगे और अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए अभी आपने यह बनाया था, अब आपने इसके ऊपर तीन बुनने हैं। जैसे देखिए यहाँ सेवन टाइम हो गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए जैसे यहाँ सात बार बुनना था अब हमने इसके ऊपर देखिए ये तीन बार बुनना है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद एक चैन बुनेंगी और ये देखिए एक एक मिला के दो हो गए चैन मिला के और ये तीन, फिर आपने एक चैन बुननी है जाली डालनी है और यहाँ आपने तीन बुनने हैं, एक दो तीन इस तरह से। ये हमारा बॉक्स बन रहा है, फिर आपने एक चैन बुननी है और ये पीछे का आपने डबल क्रोशे से इसी तरह बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इस तरह के बॉक्स मुझे तीन बनाने हैं, तो देखिए ये चौथा बन रहा है। तो इस तरह मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने ऊपर भी देखिए बॉक्स बना ली है, तीन बॉक्स बने हैं ऊपर देखिए फ्रेंड्स। देखिए एक दो तो मैंने आपको बता दिए थे, फिर यहाँ भी बताया था देखिए, और इस तरह से मैंने देखिए ऊपर रिपीट कर लिए। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, हमारे पाँच बॉक्स बन के तैयार हो गए हैं देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमने इस जूते को बंद करना है, तो तीन तीन रो जो है वो आपने अब देखने किस तरह बनेंगी। ये देखिए आपने पहले इसका सेंटर निकालना है इस तरह से, देखिए ये सेंटर है इसका यहाँ तक, तो आपने पहले यहाँ तक आपने इसको सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए सेंटर निकालने के लिए तीन इधर छोड़ देंगे और तीन इधर, तो इधर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस है। तो फ्रेंड्स हमने इधर नौ बुनने हैं, इधर नौ बुनने हैं, बीच में हमने करना है। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अब हमने देखे एक दो
तीन तीन चैन बुननी है। तीन चैन के बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात डबल क्रोशे से ही बुनेंगे। देखिए यहाँ तक लाना है हमने, बीच के छह फंदों पे हमने बनाना है। मैंने ये देखिए डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब ये हमारे बीच के छह फंदे जो हैं वो हमने सिर्फ सिंगल से बुनने हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, यह हमारा इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये आप इस तरह रखेंगे तो ये आपके देखिए बिल्कुल बीचों बीच आएंगे। तो छः बीच के फंदे हमने इसी तरह बुनने हैं सिंगल से, अब बाकी के सारे अब हमने ये वाले डबल क्रोशे से बुनने हैं। तो ये मैं बुनकर बताती हूँ तो नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। छः फंदे सिंगल बुनने के बाद मैंने देखिए ये डबल क्रोशे से ये बुन लिया है और इसके ऊपर वाली रो भी मैंने देखिए डबल क्रोशे से बुन ली है। और अब देखिए जहाँ आपको बताना है मुझे, मैं वहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ की यहाँ पे इन छह फंदों को कैसे बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से एक दो और इनको इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए सिंगल ही से बुनेंगे लेकिन अब इनके छह फंदों के तीन फंदे बनाने हैं, एक दो और इसको इस तरह बुनेंगे। ये देखिए दो हमारे यहाँ पे घट रहे हैं फंदे, फिर ये देखिए एक दो और इनको इस तरह बुनेंगे। फिर इसके बाद आपने इसके बाद देखिए क्या करना है, डबल क्रोशे से बाकी के सारे फंदे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारा बुन करके फिर इसके ऊपर बुन के यहाँ आके फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। छह फंदे बनाए थे सिंगल क्रोशे से, फिर मैंने इसकी दूसरी लाइन में तीन कर दिए थे। अब तीन के देखिए हमने किस तरह से बुनना है। देखिए ये वाली रो भी मैंने डबल क्रोशे से बुन ली, फिर इसके ऊपर वाली रो भी डबल क्रोशे से बुन ली। अब देखिए अब हम जो बीच में आ गए हैं सेंटर में, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने सिंगल क्रोशे से एक दो तीन, इन तीन फंदों को एक साथ इस तरह बुन देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने सारे फंदे डबल क्रोशे से बुनने हैं। देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशे, उसका देखिए इस तरह से शेप आया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपने इसे पलटना है और पलटने के बाद अब आपने इसको इन दोनों चैनों को मिला करके इसे बंद करना है। देखिए यहाँ से इस तरह हर चैन में मिला मिला के आपने इस तरह से इसको सीना है। इस तरह से देखिए पीछे से शेप आ गई है इसकी इस तरह से, और इस तरह से देखिए जूता बन गया है। इस तरह से देखिए हमारा ये जूता कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो इसका बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स को हमने थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो देखिए मैंने ये ऊन ले लिया है दूसरे कलर का, और अब देखिए मैं इसको इस तरह से यहाँ पर एक गिट्ठा लगाएंगे
आप देखिए बैक साइड से यहाँ से आपने पहले से इस तरह से एक बार आप देखिए ये जो आपका सेंटर का जो बीच में जो ये जाली है यहाँ से आपने इस तरह से लेना है। ये देखिए ये आपने इस तरह ले लिया, फिर आपने देखिए इसमें डालना है पीछे से। ये देखिए बैक साइड से आप देखिए फ्रेंड्स आपने देखिए अब आपने फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ इसी में से अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से डालना है। और अब आपने फिर इसके अंदर डालना है इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से फिर ये देखिए इस तरह से ये देखिए फिर ये देखिए इस जाली में फिर अब आपने देखिए इसके बाद इस जाली में डालना है। नहीं देखिए ये देखिए इस जाली में फिर इस जाली में डालेंगे इस जाली में डालेंगे फिर इस जाली में डालेंगे इस जाली में डालेंगे ये देखिए इसमें डालेंगे फिर इस जाली में डालेंगे और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम ये सारे बॉक्सों को भरेंगे। तो मैं इसको सारे बनाकर आपको बताती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी तरह से देखिए कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है। देखिए एक और रह गया है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने देखिए ये यहाँ डालना है, फिर इसके बाद देखिए अपने हर जाली में से पास करना है इसको इस तरह। देखिए यहाँ से सेंटर से हर जाली में आपने डालना है, फिर देखिए इस तरह ये देखिए फिर इस जाली में ये देखिए यहाँ। जब आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमने निकालना है इसको। ये देखिए इस तरह देखिए ये वाली जाली है। अब यहाँ से कॉर्नर में यहाँ से देखिए फिर इस जाली में फिर देखिए इस जाली में फिर देखिए इस जाली में अब इस जाली में डालेंगे इसी बीच में से ही डालेंगे। देखिए ये यहाँ से फिर देखिए इसी में से यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ से आपने इसको इस तरह से बंद कर लिया और देखिए बनने के बाद इस तरह से आएगा। देखिए कितना प्यारा लगता है। देखिए अब फ्रेंड्स अब हमने सिर्फ यहाँ इसकी आउटिंग करनी है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी आउटिंग कैसे करनी है। यहाँ से आपने इस तरह से एक दो तीन तीन के बाद देखिए यहाँ बस इस तरह से एक दो तीन एक दो
तीन, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसकी मैं इस तरह से कंगूरे बना लेती हूँ चारों तरफ और बनाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी आउटिंग कर ली है। देखिए अब आपने देखिए फिर से यहाँ इसको फाइनल करना है, एक दो तीन और यहाँ। इस तरह से देखिए हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा तैयार हो गया चुका। फ्रेंड्स ये 6, 7, 8 नंबर के लोगों को बहुत इजीली आराम से पैर पे आ जाएगा। और देखिए बनने के बाद से कितना खूबसूरत सा लुक आया देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।